मतलब एक प्रधानमंत्री ही राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त होने के लिए प्रधानमंत्री होना जरूरी है, तो गांधी जी क्या थे? राष्ट्रभक्त नहीं थे। हमको चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से बड़े ये राष्ट्रभक्त हो गए कि जहां देश की आन मान शान रखने वाले वो सैनिक जो 24 घंटा सरहद पर खड़ा होकर इस देश की सीमा को और इस देश की आम आवाम को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, उनके लिए आप समय नहीं निकाल पाओगे। संगठन का काम हो या सत्ता प्राप्त करने का काम हो, उसके लिए आपके पास समय है, लेकिन देश के मुद्दे पर आप समय नहीं निकाल पाओगे। ये तथा कथित संघ की मानसिकता सत्ता आने के बाद ये जबरदस्ती वीर सावरकर ये लोग बना रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं इतिहास में दर्ज है। कईयों बार उन्होंने माफी मांगी है, अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं और कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को 24 घंटा 9 साल लग गए बेचने में, अभी भी पूर्ण नहीं बेच पाए हैं। प्राइवेटाइजेशन अपने मोदी जी अडानी और अंबानी के हाथों एक एक संपत्तियों को बेच रहे हैं, 24 घंटे लगकर बेच रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बेच पाए। यही काम किया है उन्होंने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उसके साथ एक और मामला है जो बेहद तूल पकड़ा हुआ है और वाजिब भी है। देश में जिस वक्त सेना के जवानों गोलियां खा रहे थे, बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी अपने ऊपर फूलों की वर्षा करा रहे थे, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी को पीएम को घेर रही है, उनके श्रद्धांजलि उनको ना अर्पित करना और चुप्पी बनाए रखना। जो सरकार सेना के नाम पर वोट लेती है उन्हीं का कदर नहीं करती है, ऐसे तमाम चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है। टीवी चैनल में जो है बदला लेने की तमाम बातें चल रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शशि उपाध्याय। आप क्या कहेंगे इस मामले पर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक परसों की जो घटना घटी है, उन शहीद परिवार और शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कांग्रेस परिवार की तरफ से अर्पित करते हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी कल अपने कार्यालय में एक हर्षोल्लास के माहौल में वो कार्यक्रम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी उस दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि देश में जहाँ पर एक तरफ सैनिकों की इस तरह शहादत हो रही है और उस शहादत के लिए, शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए या उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके पास समय नहीं निकला, और उन्होंने एक जश्न का माहौल अपने कार्यालय, भाजपा के कार्यालय में बनाया और उसमें तमाम तरह के आयोजन हुए, यह पूरा देश देखा है इनके उस दूषित मानसिकता को कि जहां देश की आन मान शान रखने वाले वो सैनिक जो 24 घंटा सरहद पर खड़ा होकर इस देश की सीमा को और इस देश की आम आवाम को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, उनके लिए उनकी सोच कितनी घृणित है, इसको देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जो है शेड्यूल कैंसिल नहीं करते, अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते। जब उनकी माँ का निधन हुआ था उस वक्त भी वो मीटिंग को अटेंड किया था, उस वक्त भी तब आपने तारीफ नहीं की थी। देखिए, एक चीज़ बता दें, प्रधानमंत्री जी शेड्यूल कैंसिल नहीं करते, जैसा कि आपने कहा उनकी माँ का निधन हुआ था तो उन्होंने अपनी मीटिंग, उन्होंने उस मीटिंग को कैंसिल नहीं किया, सिर्फ यह सत्ता प्राप्त करने की जहाँ तक उनको मीटिंग करनी है उस मीटिंगों को कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर, ठीक है वो आपकी माँ थी आप नहीं गए, वो आपका निजी मामला हो सकता है, क्योंकि आपकी अपनी माँ थी या आपकी अपनी सोच है, अपने आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे अपनी माँ के श्रद्धांजलि में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कर्मयोगी है ना, इसलिए वो काम को पहले रखते हैं। देखिए, कर्मयोगी निजी मामला बाद में रखते हैं। नहीं, कर्मयोगी होने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे सबसे बड़े कर्म जो हैं, हमारे प्राथमिक गुरु माता पिता और गुरु होते हैं। माता पिता जिसने हमको जन्म दिया है उसके प्रति भी हमारे कर्म हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म उनके लिए नहीं है। ठीक है, आज आप देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, तो इस देश की आवाम, इस देश के उन सैनिकों के लिए, उस देश के उस अस्मिता के लिए तो आपके पास समय निकालना चाहिए आपको, और उनके लिए समय, जो प्रधानमंत्री, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका शेड्यूल चेंज नहीं होता है? बहुत से ऐसे देश के मुद्दे आते हैं, तमाम मीटिंगों का आप
आप उन्हीं मुद्दों पर अपने मीटिंग को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप मणिपुर के लिए आपके पास समय नहीं निकलता है, आप समय नहीं निकाल पाते हो, आप अपने किसी मतलब निजी जहां से कि आपका संगठन का काम हो या सत्ता प्राप्त करने का काम हो उसके लिए आपके पास समय है, लेकिन देश के मुद्दे पर आप समय नहीं निकाल पाओगे। यह देश आपको देख रहा है, यह देश समझ रहा है, और ये प्रधानमंत्री जी को मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, निजी कोई काम करते ही नहीं है, सारा राष्ट्र हित में सारा काम करते हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री ही राष्ट्रभक्त हैं आप, क्या बड़े राष्ट्रभक्त सबसे बड़े नरेंद्र मोदी? देखिए एक चीज बता दें, राष्ट्रभक्त होने की परिभाषा प्रधानमंत्री होना नहीं है। अगर इस अगर यह परिभाषा आप जैसे विद्वान चैनल के लोग रखेंगे तो यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रभक्त होने के लिए प्रधानमंत्री होना जरूरी है। राष्ट्रभक्त उनके अंदर जितनी माने जाते हैं, जनता कहती है, जनता नहीं, पूरी जनता बात नहीं कहती है। पूरी बात सुनिए, कहते हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्ति नरेंद्र मोदी है, उनसे बड़े राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। हाँ, आपने एकदम सही कहा कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी हैं, देश नहीं कहता है, ये तथा कथित उनके लोग और भाजपा के लोग कहते हैं, संघी मानसिकता के लोग कहते हैं कि सबसे बड़े राष्ट्र। इनकी राष्ट्रभक्ति उस दिन कहाँ थी जब इस देश की आज़ादी के लिए बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे थे, गोलियां खा रहे थे, जेलों में जा रहे थे, इस संघ की मानसिकता के लोग उस समय कहाँ अपनी राष्ट्रभक्ति रखे हुए थे? ये माफी मांग रहे थोड़ी थे क्या नरेंद्र मोदी? मतलब नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी पर ये देश चलता है, आइडियोलॉजी पर एक विचारधारा चलती है, विचारधारा पर देश चलता है। आप उसी विचारधारा के व्यक्ति हो ना, आप उसी संघ की विचारधारा के व्यक्ति हो, किस राष्ट्रभक्ति की आप बात करते हैं? और सावरकर को वीर सावरकर कहा जाता है। देखिए, वीर सावरकर कहा नहीं जाता है, ये तथा कथित संघ की मानसिकता सत्ता आने के बाद ये जबरदस्ती वीर सावरकर ये लोग बना रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं इतिहास में दर्ज है। कईयों बार उन्होंने माफी मांगी है, अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, पेंशन लिए हैं अंग्रेजों की। और वीर सावरकर तो गांधी जी क्या थे, राष्ट्रभक्त नहीं थे? पंडित नेहरू राष्ट्रभक्त नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्त नहीं थे? इस देश के लिए फांसी पर झूल गए, मतलब राष्ट्रभक्तों, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त की बात आप कर रही हैं। राष्ट्रभक्ति की परिभाषा हमको चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से बड़े ये राष्ट्रभक्त हो गए, किस तरह के राष्ट्रभक्ति की बात? और राष्ट्रभक्त यहाँ का एक एक जन है, एक एक व्यक्ति है, इस देश के प्रति जो सही चीज को प्रदर्शित करता है वो राष्ट्रभक्त है। जैसे कि आपकी भी जिम्मेदारी जो है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार के समक्ष जनता के उन समस्याओं को रखें। और नरेंद्र मोदी 24-24 घंटे काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते कभी। कौन सा काम करते हैं नरेंद्र मोदी 24 घंटे? उन्होंने यही काम किया कि 9 साल के सत्ता में, 9 साल के शासन में उन्होंने ये कहा इस देश को, ये भाषण में अपने बोला कि कांग्रेस ने इस देश में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने इस देश को लूटा, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, और कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को 24-24 घंटा 9 साल लग गए बेचने में, अभी भी पूर्ण नहीं बेच पाए हैं। प्राइवेटाइजेशन अपने मोदी और मोदी जी, अडानी और अंबानी के हाथों एक एक संपत्तियों को बेच रहे हैं, 24-24 घंटे लगकर बेच रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बेच पाए। यही काम किया है उन्होंने। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन तोहित के साथ ड्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।